Hey guys, I'm your RJ Rex from Deshbhakt Radio 7.8 की आवाज एंड आप सभी का स्वागत है मेरे सेकंड ब्लॉग में गाइस। जैसे कि आपको पता ही है टोर टपे ना मोटा पूरा तैयार हो चुका है क्योंकि अपन चले हैं आज ट्राई सिटी के बुकर पे। आपको पता किसे जान लगे हैं जिथे कि अपन जान लगे बहुत बढ़िया था तो उसे खाण दी था मतलब इतनी बढ़िया टोल है मेरी जीव अभी से लबला करी रही है वहां पे खा के आपको बताते हैं कि कितनी अच्छी चीज है। तो उसे जानने के लिए आप हमारे ब्लॉग को देखते रहिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब लाइक कमेंट। और अभी आपका यार आरजे रेक्स आपको लेके जाने वाला है बस कुछ ही पलों में। दिल को थाम कर रखिए और जुबान को मुंह के अंदर ही रखिए क्योंकि फिर तो बाहर आने वाली है। गाइस अभी देख सकते हो मैं जाने से पहले मुझसे तो रहा नहीं जा रहा, भूख भी बड़ी लगी है तो मैं ऑफिस में पहले ना समोसे वाला नाश्ता करके जाऊंगा। ये हमारी सोनी मैम ने मंगवाया हमारे लिए, तो एक करके जरूर जाऊंगा और इसके बाद हम आपको दिखा देंगे ट्राई सिटी के बुकर में कहां जाने वाले हैं। ओके गाइस उनके पूरे ट्राई सिटी के एकदम से ना स्टोर वायरल हो गया यार ना उनके जो मोमोज है। तो मुझे तो ना बोलते ही ना मुंह में पानी आ गया और मैं ना पूरी दो तीन प्लेटें खाने वाला हूँ। और आप कमेंट करके बता देना कौन कौन जाने वाला है वहाँ पे और हमारा जो चैनल है उसको शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड गाइस दीपक मोमो को इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना है। तो चलते हैं बाकी जो आपको जानकारी है वो वहीं पर जाके देंगे क्योंकि दीपक मोमो के मोमो खाने के लिए हमसे ना इंतजार नहीं होता। हेलो गाइस, आई एम योर आरजे रेक्स फ्रॉम देशभक्त रेडियो 7.8 आपकी आवाज एंड गाइस मैं आ चुका हूँ पंचकुला सेक्टर 20। जैसे कि मैंने बताया था पंचकुला सेक्टर 20 में बड़ा ही आज खास एक चीज होने वाली है, ट्राई सिटी के बुकर जीप लबा लबा करके कहां पर आ चुके हैं पंचकुला सेक्टर 20। तो मैं आपको दिखाता हूं यहां पर दीपक मोमोज करके एक बहुत ही अच्छा आउटलेट है जहां पर ना जिसके बहुत ही अच्छे रिव्यूज आते हैं सारी ट्राई सिटी के आते रेक्स यार वहां पर जाओ वहां के रिव्यूज असली में चेक करके बताओ कि कैसा है। तो आप हम आ चुके हैं पंचकुला सेक्टर 20 में एंड गाइस जो ये वाली वीडियो होने वाली है बड़ी खास होने वाली है। तो सबसे पहले तो जाओ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो एंड मैं आपको ना मिलवाने वाला हूँ पंचकूला सेक्टर 20 दीपक मोमो। सो रेक्स यार आपका यार देशभक्त रेडियो से ट्राई सिटी के बुकड़ गेड़ी आ चुकी है हमारी पंचकूला सेक्टर 20 में दीपक मोमो के पास। जैसे कि पूरी ट्राई सिटी ने कहा था रेक्स यार वहाँ पर जाके बताओ और मैं ना वहाँ पे जाके टेस्ट करके बताना मोमो तो सारे बेचते हैं इनका ऐसा क्या खास है। सो आज मैं बताने वाला हूँ, वीडियो को पूरी देखना कि क्या खास होने वाला है। और हमारे भाई दीपक जी हैं, भाई कैसे हो? जब बोला ना मोमोज प्योर चिकन मोमोज तो मतलब ना मेरे सुबह में तो पानी आ ही चुका है, मैं ना टेस्ट करने वाला हूँ। वैसे कि जो वेजिटेरियन है गाइस तो वेजिटेरियन भी उनके लिए मोमोज भी है, स्प्रिंग रोल भी है, बाकी का मेन्यू मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले ना आपको मैं दिखा देता हूँ कि मोमोज कैसे हैं। तो अभी मैं कैमरे मैन को बोलने वाला हूँ अपने मोमोज दिखा दो, सर आ जाओ। गाइस अब देख सकते हो जैसे कि यार ये प्लेट में मोमोज डाल देना है कितने टेस्ट लग रहे हैं, मेरे तो सुबह में पानी आ गया है और मैंने सारे खाने वाला हूँ, मुझे पता नहीं है मैं कितनी प्लेट खाने वाला हूँ। और कितने टेस्ट लग रहे हैं, वाह यार। और पूरे ना मतलब गर्म भी है, बेसिकली क्या होता है कितनी बार जाते हैं मोमोज खाने तो ना पता नहीं चलता, वो गर्म तो बोलते हैं लेकिन गर्म होते ही हैं। सर ये चिकन मोमोज है ना? यस सर। सर चिकन मोमोज है, उनकी स्टफिंग देखते भी अंदर से कैसे होने वाले, मैं एक ही बार में पूरी प्लेट खत्म कर दूंगा। ये सर आपका कोई खास स्पाइसी है? हाँ जी ऑर्गेनो है सर। ऑर्गेनो, गाइस क्या बात है। ये सर चाट मसाला, चाट मसाला। और ट्राई सिटी आप देख सकते हो ऑर्गेनो भी इन्होंने बोला ना, तो एक बार में ये नहीं किया कि एक बार में इन्होंने डाल दिया, इन्होंने पूरा टाइम दिया उसको भी, तीन से चार सेकंड लगे डालने में फिर उन्होंने चाट मसाला डाला। एंड गाइस अब आप देख सकते हो है ना चटनी भी डाल दी इन्होंने, मेयोनीज भी डाल दी है। हाय 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 सोने पे मोमोज के साथ आप मोमोज खा रहे हो, उसके स्पाइसी चटनी मिल गई और मेयोनीज मिल गई ना, सोने पे सुहाग है। लेकिन अगर आप पंचकूला दीपक भाई के पास आ गए ना तो सोने से सुहागे वाली ऊपर वाली बात होने वाली है। एंड अभी मैं टेस्ट करके आपको बताने वाला हूँ कि कितना मजा मुझे आने वाला है ताकि उससे डबल मजा आपको आए जब आप टेस्ट करने आओ। गाइस जो उसकी फ्रेग्रेंस है ना वो मतलब ना और भूख को बढ़ा रही है। अब मैं आप ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपको ना टेस्ट करके बताता हूँ। सो गाइस हमारे पास आ चुकी है पहली प्लेट, इसमें कुछ मोमोज वेज भी हैं, पनीर भी मोमोज हैं। ये वाले हमारे पनीर है। सो गाइस पहले पनीर मोमो टेस्ट करने वाला हूँ। एक तो मतलब ना इसका साइज भी ठीक है मोमोज का, जैसे हम दूसरे जगह पे जाते हैं तो मोमोज का साइज छोटा था, तो हम टेस्ट करते हैं क्या है। पहले मैं इसे डिप करूंगा मेयोनीज में। हाय थोड़ा स्पाइसी गाइस, मतलब जो अंदर की स्टफिंग है ना यार पूरी टूट टूट के भरी हुई, ये नहीं है पनीर डालने में कोई भी कंजूसी नहीं है इन्होंने एंड बड़ा ही मजा। गाइस इतना टेस्ट किया ना मैं सब कुछ भूल गया कि मैं क्या तारीफ करूँ क्या बोलूँ।
इसको है 10 में से 10। जैसे वीडियो खत्म हुई ना, पंचकूला सेक्टर 20 दीपक मोमोज, बस आ जाओ आप। एंड गाइस अब आ चुके हैं हमारी सबकी फेवरेट जो मोमो लवर है ना, अगर चिकन मोमो नहीं खाए तो यार मोमो लवर हो ही नहीं सकते। सो चिकन मोमो की ये पूरी प्लेट आ चुकी है ना, अब इसे खाने वाला हूँ मैं। सबसे पहले ये टेस्ट करते हैं कैसे हैं। गाइस चिकन ना पूरा अंदर तक भरा हुआ है, बड़ा ना जूसी जूसी फ्लेवर है, ऐसे ड्राई नहीं है चिकन, जूसी फ्लेवर आ रहा है एंड बड़ा टेस्टी लग रहा है, अमेजिंग है। सो गाइस मोमोज तो खा लिए यार, वेज भी खा लिए, पनीर मोमो भी खा लिए और हमारे अपने चिकन मोमो भी खा लिए। लेकिन गाइस दीपक मोमो की ना एक खास बात है जो इस शो को भी बड़ा ही नेक्स्ट लेवल लेके जाने वाली है ना, आपको ना वीडियो देख के बड़ा मजा आने वाला है। यहाँ पे ना एक लड़का और एक लड़की खड़े हैं, हम इनके रिव्यू भी लेते गाइस, जो बीच में स्टोरी निकल के आई है वो ना दीपक मोमो की ये स्टोरी है। क्या नाम है आपका? नवीन जी। मैम आपका नाम क्या है? रोज। सर का नाम है नवीन एंड मैम का नाम है रोज। तो गाइस इनकी कहानी पता है क्या है? और एक दिन मैम मोमोज खाने आए थे, नॉन वेज मोमोज लवर हैं एंड सर को भी नॉन वेज मोमोज ही खाने थे, बट क्या हुआ कि ना लास्ट की एक ही प्लेट रह गई थी, तो इन दोनों ने साथ में शेयर कर लिए मोमोज और इन्होंने मोमोज शेयर करते करते इतना प्यार हो गया, दोनों साथ में रोज आने लगे मोमोज खाने और इनका डेटिंग वाला सीन स्टार्ट हो गया। एंड आज की डेट में इनको ना 2 साल हो गए हैं रोज मोमोज खाने आते हैं और एक साथ है, मतलब मोमोज से इतना प्यार किसी को हो सकता ना पहली बार देखा है मैंने। सर कैसे लगते हैं मोमोज? कौन से मोमोज खाते हो ज़्यादा? नॉन वेज। एंड मैम आप? नॉन वेज मोमोज खाते हो। क्या कहना चाहते हो, मतलब जो हमारी वीडियो देख रहे हैं कि आ जाओ खाने मोमोज? गाइस सुना, डेली मोमोज खाने आते हैं, तो आप कुछ नहीं करना है, वीडियो शेयर लाइक कमेंट 15 सेक्टर से ये दोनों डेली मोमोज खाने आते हैं और मोमोज खा खा के इनके बीच में इतना प्यार हो गया कि आज की डेट में 2 साल से एक साथ हैं। तो आप ही गाइस मोमोज खाने आ जाओ और अपना प्यार बढ़ाओ। आरजे रख तो झूठ बोलते नहीं, आप सभी को पता है, क्योंकि शो चल रहा है ट्राई सिटी के ऊपर। मोमोज की तो बात होगी यार, अभी ये स्प्रिंग रोल जा रहा है, हाय हाय हाय, मतलब देख सकते हो यार स्प्रिंग रोल कितना हेल्दी सा लग रहा था और अभी ये पूरा बाहर होके निकल के आएगा, पूरा फ्राई होके। सर कितना टाइम लगेगा इसे फ्राई होने में? 1 मिनट। सर कितने स्प्रिंग रोल होते हैं हमारे पास, कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं सर, एक वेज और एक पनीर। हाय हाय हाय, पनीर का स्प्रिंग रोल भी मिलेगा गाइस आपको, पनीर स्प्रिंग रोल भी मिल जाएगा दीपक मोमो के पास। तो गाइस ये आप देख सकते हो स्प्रिंग रोल पूरे बन के तैयार है हमारे, चटनी वटनी लगा दिया भाजी ने, मतलब पूरे डिलीशियस थाली बना दिया। हाय 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 हाय, ये मीठे वाली चटनी भी आ गई, अब इस पे मेयोनीज भी आएगी गाइस। ये क्या बात है, मेयोनीज आ गई है। माय गॉड गाइस, लुक एट दिस ब्यूटी मैन। सो क्रिस्पी एंड स्टफिंग है ना जो। सो गाइस इस वीडियो में ना और भी 4 चांद लगाने वाला हूँ यार, जैसे कि आपको दीपक मोमोज से तो मिलवा दिया, एक सोने पे सुहागा और क्यों लगा, इनके साथ ये पूरा डेडली कॉम्बिनेशन में बनाया हुआ हमारे सेठी साहब। क्या कहते हैं सर? और सेठी साहब की खास बात है, सेठी साहब ना मिल्क बदाम, तो अभी हम मिल्क बदाम ना आपने वैसे तो पूरे चंडीगढ़ में, पंचकूला में, मोहाली में और जगह पी होंगे, लेकिन जो इनके मिल्क बदाम की बात है ना वो सभी कहते हैं बहुत अलग ही है, तड़कता फड़कता मिल्क बदाम होता है। तो अभी हम देखते हैं, चेक करते हैं, पीते हैं ना, आपको बताते हैं कैसा है। तो क्या नाम है भाजी तुम्हारा? सेठी साहब जी। सेठी साहब जी, तो सेठी साहब जी बताओ क्या क्या चीजें हैं हमारे पास? हमारे पास है मिल्क बदाम है सर। हाँ हाँ, मिल्क बदाम तो आपका एकदम नंबर वन है यार, ट्राई सिटी पूरी आ जाओ जल्दी से, मिल्क बदाम पी पी के दुकान खाली कर दो। वहाँ देखो ऐसे सर, ये आप अपने आप बनाते हो? खुद बनाते हैं। इसमें क्या क्या डालते हैं? काजू भी डालते हैं, बादाम डालते हैं, किशमिश डालते हैं। गाइस काजू बादाम किशमिश ना भर भर के डाला हुआ है पूरा। और हमारे पास क्या है सर? कुल्फी बदूंगा। कुल्फी बदूंगा, तो ये आप मुझे टेस्ट कराओगे एक बना के? जी बनाएंगे। अरे वाह क्या बात है, मजा आ गया इसे गाइस, मैं टेस्ट करके आपको बताता हूँ कि क्या। गाइस अमेजिंग है, बड़ी हेल्दी है और ज़्यादा मीठा नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है, बड़ा ही मजा आ गया। आप प्लीज आ जाओ यहाँ पर पंचकूला सेक्टर 20 दीपक मोमोज एंड सेठी साहब, आ जाओ। गाइस शो चल रहा है ट्राई सिटी के भूकड़ है ना, मैं आरजे रैक सबसे बड़ा भूकड़ ट्राई सिटी का और आज मैं पंचकूला सेक्टर 20 दीपक मोमोज का। तो दीपक भाई जी क्या हाल है आपका? बढ़िया सर, आप बताइए। तो सबसे पहले तो बताइए, जो इतने खास आपका जो ट्रेंड चल रहा है ना, आपने पूरे पंचकूला में अपने मोमोज वायरल कर दिए, इसका राज क्या है? क्या डालते हो मोमोज में? सर प्योरिटी डालते हैं, चिकन में चिकन डालते हैं, पनीर में पनीर डालते हैं, वेज में वेज डालते हैं। आया सुना ट्राई सिटी यार, प्योरिटी डालते हैं, प्यार डालते हैं, चिकन में चिकन डाला है प्यार के साथ, पनीर में पनीर डाला है, स्टफिंग में कोई कंजूसी नहीं करी इन्होंने, पूरी भर भर के डाली है, ताही इतना प्यार इन्हें मिल रहा है, लोग पंचकूला के एकदम से आ चुके हैं। वीडियो देखने के बाद चंडीगढ़ मोहाली के भी लोग आ जाएंगे। पंचकूला सेक्टर 20 दीपक मोमो। और भाई और क्या है आपके पास? स्प्रिंग रोल है सर, पनीर स्प्रिंग रोल है, वेज स्प्रिंग रोल है,
गाइस पनीर स्प्रिंग रोल भी आपको मिल जाएंगे, स्प्रिंग रोल भी मिल जाएंगे आपको, वेज भी मिल जाएंगे गाइस। ये क्या सर, ये फिंगर चिप्स है, फिंगर चिप्स भी मिल जाएंगे। सबसे बड़ी बात है सारे खुद ही बनाते हैं, खुद ही बनाते हैं। बिल्कुल सर। तो कहाँ है हमें? सेक्टर 20 पंचकुला नियर रेजिडेंस बैंक। क्या बात है गाइस, एंड इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, क्योंकि आरजे रेक्स ने बोला है और ट्राई सिटी का वोकल रेक्स सबसे बड़ा जीत का भी बोलता ही नहीं है।